आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। बाकी के पार्ट्स और बाकी के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में पहला तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जिसमें क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदी 3800 रुपये में खरीदी। तो हमें ना तो किसका मूल्य पता है, बल्ले का, तो हमने क्या मान लिया कि माना कि बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये। इसी तरह से गेंदों का मूल्य हमने कितना मान लिया, गेंदों का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। अब एक बल्ले की कीमत x रुपये है, तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। एक गेंद की कीमत 6 रुपये, तो 6 गेंदों, एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। और कुल मिलाकर जो मूल्य था वो कितना था, 3800 रुपये। ये बन गई हमारी पहली समीकरण। दूसरे समीकरण में क्या है, बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले की x, तो 3 बल्लों की कीमत 3x, प्लस एक गेंद की कीमत y, तो 5 गेंदों की कीमत कितनी हो गई, 5y, बराबर कुल कितना हो गया, 1750। ठीक है जी, तो ये दो हमारे क्या बन गई, समीकरण। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंदों का मूल्य y रुपये। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हर क्वेश्चन में हमने क्या किया, x के साथ जो y की टर्म लिखी होती है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि ये किसकी हो जाएगी, मेरी, माइनस की। इसी तरह से x के साथ ये 7 किस में लिखा हुआ है, गुना में। इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक है जी, अब क्या करना है मुझे, अब जो ये x की वैल्यू आई, ये मेरा क्या हो गया, तीसरा समीकरण। इस x के मान को किस में पुट कर देंगे, हम अपने दूसरे समीकरण में। सिर्फ x की जगह पर मुझे ये वैल्यू लिखनी है, बाकी सेम टू सेम। ये 3 x की जगह पर 3800 माइनस 6y बटे में 7, आगे ऐसे ही प्लस का 5y बराबर 1750। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा अब ये, तो यहाँ से जब 3 को 3800 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11400 माइनस 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18y बटे में 7, बाकी रकम ऐसे की ऐसे। अब एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 35y। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17y बराबर, ये 7 इधर जाके गुना हो जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास 12250। इस 12250 में से हमें क्या माइनस करना है, 11400, ये बच गया मेरे पास 850। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये 17 इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो आंसर कितना आ गया, 17585। कीमत कितनी आ गई, गेंद, एक गेंद की कीमत कितनी आ गई मेरे पास, 50 रुपये। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिस्थापन विधि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाली वैल्यू जो y की है वो हम इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे में 7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो किसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास, वो किसकी कीमत आ जाएगी, बल्ले की। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब एक फिक्स रेंट है, मतलब अगर आप 10 किलोमीटर तक जाते हो, 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से कम, आपको उसके 50 रुपये देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और चलते हो तो इस 1 किलोमीटर का अलग से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है,
फिक्स भाड़ा कितना है ये भी बताना है हमको, 10 किलोमीटर का भाड़ा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी हमको बताना है कितना है। एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो उसके लिए हमको दो चीज़ें निकालनी है, नियत भाड़ा। तो हम क्या मान लेते हैं कि नियत भाड़ा मेरा कितना है, मान लिया एक्स रुपये, और जो मेरा प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो कितना है मेरा, मान लेते हैं हम वो है मेरा वाई रुपये। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बोला कि 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। तो नियत भाड़ा जो है वो तो हमारा एक्स रुपये ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो हमको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है उस 10 किलोमीटर पे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माना है हमने, वाई रुपये। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 वाई रुपये, और कुल कितना कीमत लगी उसकी, 105 रुपये। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तो उसको एक्स रुपये ही देना है, प्लस कितने किलोमीटर चला वो, और चला वो 15 किलोमीटर, और उसके लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। बस बन गई दो समीकरण। अब पहली समीकरण में से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 105 माइनस 10y, ये 10y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से दूसरी समीकरण में x की वैल्यू रख दो, 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर का 155। तो आंसर कितना आ गया, 105, 15 में से 10 का कितना बच गया, प्लस का 5y बराबर 155। तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 105 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 105 माइनस 105, तो यहाँ पे 5 में से 5 की 0, 5, 5y बराबर 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 इधर जाके भाग हो गया, तो 50/5 यानी कि कितना आ गया, ये 10 रुपये। अब अगर y की वैल्यू 10 रुपये आई है तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना 10 गुना 10, तो 105 माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया, 10 गुना 10 कितना आ गया मेरा, 100। 105 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया मेरा, 5। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए कौन कौन से भाड़े देने होंगे, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना है मेरा, एक्स रुपये, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। कितने किलोमीटर चला है टोटल, 25 किलोमीटर, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, 5 प्लस 250, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा, 255। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश और हर, अंश मान लिया मैंने कितना है x और हर मान लिया मैंने कितना है y, तो मेरी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बराबर मेरी x बटे y। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम, 2, इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया, तो मेरी भिन्न क्या बन गई, भिन्न बराबर 9/11। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पहली समीकरण। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 11 इधर भाग में इधर जाके दोनों के साथ गुना हो जाएगा, 11 गुना x+2 बराबर 9 गुना y+2। तो कितना आ गया, 11x+22, ये 11 और किससे गुना होगा, 2 से, बराबर 9y+18। ठीक है जी, तो 11x, ये 9y इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 18, ये 22 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास क्या आ गया, 11x-9y-4, ये मेरी आ गई पहली समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण क्या बनेगा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश क्या है हमारा x, और इसमें भी 3 जोड़ना है, और हर कितना है y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो उससे हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, 5/6। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है, 5/6। कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू
एक्स प्लस थ्री बराबर फाइव इंटू वाई प्लस थ्री। छः को x से गुना करेंगे आंसर कितना आएगा 6x, प्लस छः को तीन से गुना करेंगे कितना आएगा 18, बराबर पाँच को y से करेंगे 5y, प्लस पाँच को तीन से गुना करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, तो समीकरण कैसे बनेगी, ये 5y इधर प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का, बराबर 15, ये 18 इधर प्लस का था तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो आंसर कितना आ गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। तो ये मेरी दो समीकरण बन गई। अब किससे सॉल्व करनी है, ये प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। ये माइनस का 9y इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 11x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y। अब ये 11 इधर गुना में है, इधर जाके किसका हो जाएगा बटे में भाग में, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11। अब मुझे क्या करना है, इस मान को किस में रखना है, दूसरे समीकरण में, तो x की जगह पे माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11, 6 गुना x की जगह पे ये वाली वैल्यू, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। तो अब इसको गुना करेंगे तो 6 किससे गुना होगा, माइनस 4 से, आंसर आएगा माइनस 24, प्लस 6 किससे गुना होगा 9 से, तो आंसर आएगा 54y बटे में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। तो 11 हमारा क्या आ गया, 11 एलसीएम आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये माइनस 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 3। अब ये 11 इधर गुना भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना, माइनस का 24 ऐसे का ऐसे, इन दोनों के साथ y लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे और आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। तो 11 गुना माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 33। अब ये 24 फिर इधर माइनस में है, फिर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, माइनस का 33 प्लस का 24 तो कितना आ गया माइनस का 9। तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9। अब क्या करना है मुझे, ये वाई की वैल्यू इस समीकरण में, तीसरे समीकरण में रखनी है, माइनस का 4 प्लस 9 इंटू वाई की जगह पे 9 बटे में 11, तो कितना आ गया माइनस का 4 प्लस 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 बटे में 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 81 में से 4 गए 77 बटे 11, तो ये कट गया तो आंसर कितना आ गया हमारा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने हमको, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न क्या मानी थी हमने x बटा y, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ठीक है, प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जयोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दो लोग हैं जयोब, जयोब की उम्र हम मान लेते हैं अभी कितनी है x, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु हमने मान ली अभी की कितनी है y। क्या बोला है उन्होंने 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जयोब की आयु कितनी होगी हमारी, जयोब की आयु होगी 5 साल बड़ा हो जाएगा वो, यानी कि x प्लस 5। इसी तरह से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी y प्लस 5, लेकिन उन्होंने क्या बोला है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x प्लस 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 3 गुना y प्लस 5 के, पुत्र की आयु का 3 गुना किसकी उम्र होगी जयोब की खुद की। तो पहली समीकरण निकालें यहाँ से, क्या बनेगी x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे 3 पंजे 15, तो क्या आ गया ये 3y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर ये 5 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, तो 15 में से 5 गए कितना हो गया 10। तो पहली समीकरण क्या बन गई x माइनस 3y बराबर 10। दूसरी समीकरण, 5 वर्ष पूर्व जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से आयु की 7 गुना थी। अब 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु होगी वो कितनी होगी
पाँच वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, x माइनस 5, जे किसकी है, जयोब की, और पाँच वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसकी उम्र जो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जयोब की आयु पुत्र की आयु की कितनी होगी, 7 गुना x माइनस 5 बराबर 7 गुना y माइनस 5। तो बस क्या करना है, जैसे यहाँ किया था दोनों से गुना, ऐसे ही 7y माइनस 35। तो x ये 7y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर माइनस का 5 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आंसर आ गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये कौन सी आ गई, मेरी दूसरी समीकरण। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर कितना आ गया, ये 3y इधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 10 प्लस 3y। ये मेरी आ गई तीसरी समीकरण। क्या करते हैं इसके बाद, तीसरे समीकरण से x का मान कहाँ रख देते हैं, दूसरी समीकरण में। तो x की जगह 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तीन में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4y। ये y और y वाली आपस में सॉल्व होती है ना, हर क्वेश्चन में हमने यही किया। ये 10 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 30 और माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर, क्योंकि ये माइनस माइनस हैं तो यहाँ पे हो करेंगे तो हम प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 40/4। ये 4 इधर गुना में है, इधर जाके क्या हो गया, भाग। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब y की वैल्यू 10 आ गई, तो y की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम, समीकरण 3 में। एक लाइन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, वो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है कि y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 में रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 10 प्लस 3y है, तो यानी कि 10 प्लस 3 गुना y की जगह रख दिया 10, तो आंसर आ गया 10 प्लस 3 दाया 30, और 30 और 1 कितना आ गया, 40। तो यानी कि जयोब की आयु कितनी आ गई, जयोब की अभी की आयु कितनी आ गई मेरे पास, 40, और उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई मेरे पास, 10 साल। ठीक है जी, तो यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि जयोब की आयु कितनी है और उसके पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम समीकरण की एक और विधि विलोपन विधि सीखेंगे और प्रश्नावली 3.0 के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।